चलिए आ जाओ वापस। क्या क्या किया था हमने अभी तक जल्दी से एक बार क्विक रिकैप बता दो जरा। फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमिनेशन हम कर रहे थे, फॉरेन एक्सचेंज रेट होता क्या है ये बता दो जल्दी से। फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है? वो रेट जिसपे एक करेंसी किसी दूसरी करेंसी में कन्वर्ट हो जाती है, उस रेट को हम क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, अब फॉरेन एक्सचेंज रेट को हमने डॉलर में और रुपी के रेफरेंस में स्पेसिफिकली पढ़ा था। अब अगर हम बोल रहे थे कि एक डॉलर जो है वो 18 रुपीज के बराबर है नॉर्मल सिचुएशन में, अब ये अगर एक डॉलर जो है वो 85 चला जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन या एप्रिसिएशन। हमारी रुपी के अंदर क्या हुआ, डेप्रिसिएशन हुआ या एप्रिसिएशन हुआ? डेप्रिसिएशन, क्योंकि पहले हमें 80 रुपीज देने पड़ रहे थे उसके लिए, उस डॉलर की पोजिक्शन के लिए, अब हमें 85 देने पड़ रहे हैं तो हमारी परचेजिंग पावर कम हो रही है। इसका मतलब है कि हमारी करेंसी में डेप्रिसिएशन आ रहा है, राइट। दूसरी तरफ अगर यही 80 से घट के 78 या 75 की तरफ मूव कर जाती है इंडियन रूपी, तो इसका क्या मतलब होगा कि हमारी करेंसी के अंदर डेप्रिसिएशन हुआ है। ठीक है, अब हमें वही 75 दे के हम वही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, हमारी परचेजिंग पावर स्ट्रांग हो गई है। डन, नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर इसको डेप्रिसिएशन या एप्रिसिएशन बोल रही हूँ। डन। दूसरी तरफ अब हमारे पास इसको डिटरमिन करने के तीन मेथड होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड करने के तीन मेथड होते हैं। यही सब था पूरे चैप्टर के अंदर। आपने सबसे पहले फॉरेक्स रेट होता क्या है वो पढ़ा था, फिर आपने डेप्रिसिएशन वर्सेस एप्रिसिएशन पढ़ा था, राइट। उसके बाद में आपने तीन मेथड्स पढ़े थे रेट डिटरमिनेशन के, कौन कौन से थे? एक फिक्स मेथड था, फिक्स एक्सचेंज रेट मेथड, जिसके अंदर क्या किया था, गवर्नमेंट खुद अपनी करेंसी को पैक करती है किसी फॉरेन करेंसी के लिए। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी को रिक्वायरमेंट होती है, इकोनॉमी के अंदर अपलिफ्टमेंट लाने के लिए या फिर रिवाइवल लाने के लिए गवर्नमेंट को ये कदम उठाना पड़ता है। ऐसे केस में अगर करेंसी खुद गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट के थ्रू कम की जाती है, डेप्रिशिएट की जाती है, तो फिर हम उसके लिए डेप्रिसिएशन वर्ड यूज नहीं करते, उसके लिए क्या बोला जाता है? फिर डीवैल्यूएशन। हमारी करेंसी के अंदर क्या आया है फिर? इसके अंदर हमने क्या किया था? डीवैल्यूएशन। हाँ जी, याद आ रहा है कुछ या नहीं? यस मैम। और अगर किसी करेंसी, अब हमने अगर अपनी करेंसी को डीवैल्यू की है तो डॉलर तो फिर रीवैल्यू हुआ होगा ना, उसको फिर हम एप्रिसिएशन नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? रीवैल्यूएशन। समझ में आ गया? तो रीवैल्यूएशन और डीवैल्यूएशन वर्ड यहाँ पे यूज किए जाते हैं जब सिर्फ करेंसी से करेंसी पे ऑफ नहीं होती है, किसी मेटल से भी करेंसी को पे ऑफ किया जा सकता है, पैक किया जा सकता है। तो जब किसी मेटल के थ्रू किसी करेंसी को पैक किया जाता है, इक्वल किया जाता है, इक्वल माना जाता है, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं पैगिंग। तो एक वर्ड आपने यहाँ पे जो यूज किया था दैट वॉज पैगिंग, क्लियर है? ये कुछ फिक्स मेथड के अंदर पड़ेगा। दूसरा मेथड आया था फ्लक्चुएटिंग मेथड, फ्लक्चुएटिंग या फिर फ्लेक्सिबल मेथड जिसको आपने बोला था। फ्लेक्सिबल मेथड के अंदर दो चीजें मेनली काम करती हैं, कौन सी? मार्केट फोर्सेस। कौन कौन से मार्केट फोर्सेस थे? डिमांड एंड सप्लाई, राइट। ये तो मार्केट फोर्सेस थे जो यहाँ पे काम कर रहे थे, इनकी वजह से रेट अप डाउन हो रहा था। दैट इसके अंदर और कोई स्पेसिफिक टेक्निकलिटी नहीं थी। नेक्स्ट आया था आपके पास मिक्स्ड मेथड, मिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, राइट। तो इसके अंदर क्या था? इसके अंदर दोनों के ही थे, दोनों प्रॉपर्टीज थी, फिक्स्ड प्लस फ्लक्चुएटिंग, राइट। अब इसके अंदर क्या था कि एक लिमिट तक तो फ्लक्चुएटिंग रहने देते हैं, मार्केट के अंदर रहने देते हैं अप डाउन, फाइन। लेकिन अगर वो बियॉन्ड लिमिट जाने लगता है तो फिर गवर्नमेंट को आना पड़ता है बीच में उसको संभालने के लिए, जिससे कि हमारी करेंसी एक लिमिट से ज्यादा ना चली जाए नीचे। ठीक है, तो इस तरह से करके हमने ये तीन मेथड फॉलो किए थे, तीन मेथड पढ़े थे कि तीन मेथड्स के थ्रू अलग अलग जैसी रिक्वायरमेंट हो, कंट्री में रिक्वायरमेंट है फिक्स्ड की तो फिक्स्ड मेथड यूज कर लिया जाएगा। ठीक है, अगर रिक्वायरमेंट है उनका ही कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है तो फ्लक्चुएटिंग से काम चल रहा है, और अगर फ्लक्चुएटिंग ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है तो उस केस में तो आपका मिक्स्ड मेथड यूज कर लिया जाएगा। ठीक है, ये तीन तरीके होते हैं एक्सचेंज रेट डिसाइड करने के। उसके बाद में हमने कुछ इक्विलिब्रियम, यहाँ से इसके बाद हम आए थे, हमने मार्केट इक्विलिब्रियम यूज किया था, बनाना सीखा था। मार्केट इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या था? ये डिमांड कर्व था,
उस फॉरेन करेंसी का ये सप्लाई कर था, अब जहां पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे ये इक्विलिब्रियम था, इस प्राइस पे इतनी क्वांटिटी सेल ऑफ करने को, जब मीन्स इस रेट पे जो करेंसी है वो दूसरी करेंसी में एक्सचेंज होने को रेडी है, बायर भी रेडी है सेलर भी रेडी है, तो वो रेट इक्विलिब्रियम था। ठीक है, अब इसमें तो चेंजेस आ रहे थे, या तो डिमांड बढ़ रही थी या घट रही थी। बढ़ रही थी तो ऐसे केस में क्या हो रहा था, अगर डिमांड बढ़ रही है फॉरेन करेंसी की तो वो महंगा हो जाएगा, राइट, और अगर डिमांड घट रही है किसी चीज की तो वो सस्ता हो जाएगा। समझ में आ गया। दूसरी तरफ सप्लाई में भी यही चीज थी, अगर सप्लाई बढ़ रही है तो वो चीज सस्ती हो जाएगी, वो उसका प्राइस जो है नीचे आ जाएगा, और अगर सप्लाई शॉर्ट है तो महंगा हो जाएगा। इस तरह की कुछ कुछ चीजें हमने इसके अंदर पढ़ी थी। क्या रीजंस होते हैं इसकी डिमांड बढ़ने के या घटने के, जैसे कि हमें कहीं घूमने जाना है तो हमें जरूरत पड़ेगी, मतलब उस पर्टिकुलर कंट्री में जाना है, वहां कोई पेमेंट करनी है, यूनिलेटरल ट्रांसफर करना है, ठीक है, वहां पे कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, कोई इन्वेस्टमेंट खरीदनी है, वगैरह वगैरह वगैरह, वहां से इम्पोर्ट किया है हमने तो पेमेंट करनी है, डन। तो इस तरह की कुछ कुछ चीजें रही है जिनकी वजह से हमें उस फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ी थी, तो ये सब हमने अभी तक किया था, यही किया था, इसके अलावा तो कुछ नहीं था। चलिए अब हम आ जाते हैं यहाँ पे फॉरेक्स मार्केट। मार्केट का मतलब वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अभी तक मार्केट कितनी बड़ी है तुम लोगों ने, नॉर्मल मार्केट जहाँ पे बायर और सेलर होता है, सामान खरीदे जाते हैं, ठीक है, वहां वो शॉप है सेल कर रहा है खरीद रहे हैं, मार्केट नॉर्मल आपकी जो है फिजिकल मार्केट बेसिकली। ये आपकी फॉरेक्स मार्केट जो है कोई फिजिकल मार्केट ऐसा नहीं होती, मेनली क्या है ये जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं या वो इंस्टीट्यूशन या वो दुकानें या वो कंपनी जो आपके एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट कर सकती है, वो आपकी यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है। समझ में आ गया, वो जगह जहां से एक करेंसी दूसरी करेंसी में कन्वर्ट की जा सकती है उस जगह को यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहते हैं। समझ में आ गया, कहाँ कहाँ होती है बता दो जरा, सिंपल मैन। आपको कहीं दूसरी कंट्री में घूमने जाना है, क्या करोगे आप, बैंक से थोड़ा पैसा जो है कन्वर्ट करा लोगे उस करेंसी में, ठीक है, आपके जो भी अकाउंट से थोड़ा पैसा दिया या आपके अकाउंट में ऑलरेडी है उसको कन्वर्ट करा लिया और डॉलर ले लिया, मिल गया, ठीक है। दूसरी करेंसी जहां भी जा रहे हो, आप थाईलैंड जा रहे हो भाट ले लिए, ठीक है, चाइना जा रहे हो यॉन्स ले लिए, ठीक है, तो इस तरह की करेंसी जो भी है आपने कन्वर्ट करा दी, तो ये नॉर्मली बैंक जो होते हैं या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है वो भी कन्वर्ट करके दे देती है। और सिंपल सी चीज जब आप एयरपोर्ट पे जाते हो तो वहां पे बहुत सारी जो शॉप्स काइंड होती है जो लाइन से लगी हुई होती है वहां आपको वो करेंसी कन्वर्ट करके दे देती है, तो वो भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का ही पार्ट होती है, ठीक है। जब आप जा रहे हो एयरपोर्ट पे जा रहे हो तो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट तो वही है ना, लोग वहां से घूमने इंडिया में घूमने आ रहे हैं, उन्हें चाहिए रुपीज, लेके आए हैं डॉलर या कोई दूसरी करेंसी लाए हैं, तो यहाँ तो रुपी चाहिएगा, राइट, तो वो क्या करते हैं, वो सिंपली यहाँ पे आते हैं वहीं से एक्सचेंज करा लेते हैं और वहां जाते हैं, उनके लिए भी कन्वीनियंट है हमारे लिए भी कन्वीनियंट है। फाइनली समझ में आया फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है, वो मार्केट जहाँ पे एक करेंसी करेंसी में कन्वर्ट हो सकते होके मिल जाती है, बैंक हो सकते हैं, नॉन एनबीएफसी कंपनीज हो सकती है, कोई भी। समझ में आ गया, ठीक है जी, क्लियर। अब इन मार्केट के अंदर काम क्या क्या होता है, क्या क्या फंक्शन होते हैं इनके बता दो जरा, क्या क्या फंक्शन होते हैं। अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो ये हमारे यहाँ पे कन्वर्जन की वो करते हैं, ट्रांसफर फंक्शन, मतलब की ट्रांसफर कर सकते, ट्रांसफर फंक्शन का मतलब पैसा एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर किया जा सकता है। आप भेज रहे हो क्या, आपको यहाँ से यूनिलेटरल ट्रांसफर करना है, सपोज दूसरी कंट्री के अंदर कोई रिलेटिव आपका रहता है उसको पैसे भेजने हैं, कई जगह पे आपने छोटी छोटी जगह पे वो जो पीसीओ वगैरह होता है वहां से भी, वहां पे भी देखा होगा कि जहां से मनी ट्रांसफर की जाती है, इस तरह का सेंटेंस आपने कई जगह पढ़ा होगा, छोटे छोटे तो पीसीओ जो गली पड़ पे खुले रहते हैं, तो वहां भी ये सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, मतलब आप यहाँ से भेज रहे हो क्या, अपने अकाउंट से डिडक्ट हो रहा है रुपए, लेकिन वहां क्या पहुंच रहा है उस करेंसी में, सपोज नेपाल के अंदर जा रहा है तो वहां क्या पहुंच रहा है, नेपालियन मतलब जब भी आपके नेपालियन रुपी पहुंच रहा है। समझ में आ गया, तो क्या हुआ ये ट्रांसफर हो गया, एक करेंसी को दूसरी करेंसी ट्रांसफर कर दिया,
यूएस के अंदर कोई बच्चे रहते हैं, अपने उनके पेरेंट्स यहाँ इंडिया में रह रहे हैं, वो वहां से मनी ट्रांसफर कर रहे हैं, जर्मनी में रह रहे हैं वहां से यूरो ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है जी। तो वहां से तो यूरो आ रहा है, वहां से तो डॉलर आ रहा है, अकाउंट में उनके वही है, और यहाँ क्या मिल रहा है, मिल रहा है, तो कर क्या दिया, ट्रांसफर, मनी को कन्वर्ट करके ट्रांसफर करने की फैसिलिटी ये कंपनीज, ये मार्केट प्रोवाइड करता है, समझ में आ गया। चलिए जी, नेक्स्ट फंक्शन आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रेडिट फंक्शन। क्रेडिट फंक्शन मतलब, क्रेडिट बता दो जरा क्या बोलोगे इसमें। क्रेडिट फंक्शन ये अकाउंट वाला डेबिट क्रेडिट नहीं है, क्रेडिट मतलब लोन, ठीक है, उधार जिसको बोलते हैं, तो क्रेडिट लोन। लोन का मतलब जब आपको किसी मल्टीपल करेंसी के अंदर लोन चाहिए होता है, तो ये मार्केट आपको उस करेंसी में लोन भी प्रोवाइड करती है। आपको डॉलर के अंदर, आपको यूएस में प्रॉपर्टी खरीदनी है, इन्वेस्टमेंट के लिए डॉलर चाहिए, कौन देगा, आपके पास तो नहीं है, तो कौन देगा, बैंक प्रोवाइड करेगा। यूजुअली आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो इंडिया के अंदर ही, तो बैंक आपको लोन प्रोवाइड करता है ना, लोन लेके खरीदते हो ना, कोई बिल्डिंग, कोई ऑफिस, कोई जमीन, कुछ भी खरीद रहे हो, लोन ले लेते हो ना, एक डाउन पेमेंट करके लोन ले लेते हो, तो वो क्या था, क्रेडिट फैसिलिटी थी इन योर करेंसी, आपकी करेंसी में। लेकिन यदि जब आपको मल्टीनेशनल उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, तब भी लोन की जरूरत पड़ रही है, तो ये लोन कौन प्रोवाइड कर रहा है, अब आपको डॉलर में लोन चाहिए, अब आपको किसी दूसरी करेंसी में लोन चाहिए, तो कौन प्रोवाइड कर रहा है, मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आपको क्रेडिट प्रोवाइड कर रही है। डन। नेक्स्ट आपके हेजिंग फंक्शन। चलिए, जैसे ही दूसरी मार्केट आती है वैसे ही हेजिंग स्टार्ट हो जाती है। अब पहले तो आप हेजिंग का मीनिंग समझिए कि हेजिंग का मीनिंग क्या होता है। हेज करना मीनिंग होता है प्रोटेक्ट, अपनी प्रोटेक्ट मतलब प्रोटेक्टिंग योर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम रिस्क। अब रिस्क किस चीज का है, अगर हम दो करेंसी की बात कर रहे हैं तो रिस्क कौन सा, किस चीज का रिस्क इन्वॉल्व होगा, बताना जरा, अगर हम दो करेंसी की बात कर रहे हैं तो किस तरह का रिस्क नजर आ रहा है यहाँ, बोलो क्या पढ़ रहे थे, ये रिस्क नहीं था क्या, डेप्रिसिएशन होगा तो इम्पोर्टर को रिस्क है ना, डेप्रिसिएशन होगा तो एक्सपोर्टर को रिस्क है, तो क्या रिस्क नहीं है, आपने कुछ नहीं करा, आपने तो $100 की ट्रांजेक्शन करी है बस, एक्सपोर्ट किया है, ठीक है, और पता चला कि करेंसी में आपने क्या था, क्या रेट की रेट चल रहा है, $100 की ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ₹8,000 आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, सोच के बैठे हो, पता चला करेंसी में एप्रिसिएशन आ गया, एप्रिसिएशन से वो पहुंच गया 75 पे, तो सीधे क्या हुआ, आप तो क्या, आप क्या उम्मीद लगा के बैठे थे ₹8,000 मिलेंगे, क्योंकि $100 की ट्रांजेक्शन हुई है, और अभी जो प्रेजेंट में रेट चल रहा है वो ₹80 डॉलर चल रहा है, $8, तो इसके हिसाब से आपका आपको ₹8,000 की मिलनी है, करोड़ में मान लो $1,000 करोड़, ठीक है, ₹80 के हिसाब से $8,000 मिलने थे, अचानक से आ गया एप्रिसिएशन करेंसी के अंदर, करेंसी एप्रिशिएट हो गई और पहुंच गई ₹75 पे, ठीक है जी, ₹8। इस बेचारे की क्या गलती थी, इसने तो $100 का सामान बना के दिया था, इसकी तो कोई गलती नहीं थी, करेंसी में एप्रिसिएशन आ रहा है, अच्छी बात है इकोनॉमी के, लेकिन नहीं, ये तो बर्बाद हो गया, बैठे बिठाए ₹500 करोड़ का सोना लग गया बिना कुछ करे, क्यों, क्योंकि मार्केट में कुछ रिवाइवल हुआ, समझ में आ गया, तो ये क्या है, ये रिस्क है ना। डन। हम अपने $100 की बात कर रहे हैं, हम अब छोटा एग्जांपल लेके पढ़ रहे हैं, लेकिन मार्केट के अंदर ट्रांजेक्शन तो करोड़ों की, मिलियंस की होती है, ₹1 का भी चेंज आता है, सोचो ₹100 मिलियन का डिफरेंस आ गया, बर्बाद, राइट, तो ये सब क्या है, ये रिस्क। अब इन रिस्क से प्रोटेक्ट करने के लिए, अब ये जो एक्सपोर्ट कर रहा है बंदा, ये उम्मीद लगा के बैठा है कि ₹8,000 मिलेंगे इसको, 8,000 करोड़ व्हाटएवर जो भी है वो मिलेंगे,
राइट, लेकिन दूसरी तरफ ये भी प्रिपेयर्ड है कि इंटरनेशनल मार्केट में काम कर रहा हूँ, एप्रिसिएशन भी आ सकता है, रिस्क भी हो सकता है, तो एक्सपोर्टर क्या सोच के बैठा है, ठीक है भाई हम बस डील कर लेते हैं आज जो भी है। अब एक चीज सोचो, जब भी एक्सपोर्ट कर रहा है क्या एक ही दिन में सारी सेटलमेंट हो जाती है, एक ही हफ्ते में हो जाती है, एक महीने में हो जाती है? नहीं, आपको जो ऑर्डर मिलता है वो यूजुअल बेसिस पे, वो आपको यूजुअली 4 महीने 3 महीने 6 महीने के ड्यूरेशन में पूरा करना होता है, 1 साल के ड्यूरेशन में 2 साल के ड्यूरेशन में पूरा करना होता है, डिपेंडिंग अपॉन फूड्स एंड सर्विसेस, राइट। तो ऐसे केस में जब अगर सपोज हम 6 महीने का एग्जाम्पल ले रहे हैं, 6 महीने का ट्रांजेक्शन है हमारा, इसमें डॉलर जो अभी चल रहा है वो 80 के अकॉर्डिंग चल रहा है, फाइन। अब 6 महीने में एप्रिसिएशन के चांसेस नजर आ रहे हैं, इकोनॉमिक प्रोडक्शन स्पेकुलेशन हो जाता है, स्पेकुलेशन के बेस पे लग रहा है कि इकोनॉमी अब जो है एप्रिशिएट करेगी, इसे डायरेक्ट पूरा पूरा 8 मिलेगा नहीं, हमें 80 नहीं मिलेगा, तो ये पहले ही ट्रांजेक्शन उनसे डील कर लेता, जो भी बायर है जो भी सेलर है उससे, सेलर को खुद एक्सपोर्ट कर रहा है, बायर से डील कर लेगा, भाई ठीक है ऐसा कर लेते हैं, रेट डिसाइड कर लेते हैं बाद में देखेंगे जो भी होगा, ठीक है। सेम जो बायर बैठा हुआ है, बायर को भी तो नजर आ रहा है, वो भी कोई कच्चा खिलाड़ी तो है नहीं, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर काम कर रहा है, वो भी सालों से काम कर रहा है, उसे भी पता है कि इंडियन इकोनॉमी जो है इंप्रूव कर रही है, एप्रिसिएशन आ सकता है करेंसी में, उसकी भी कुछ कैलकुलेशन से जो ये शो कर रही है कि एप्रिसिएशन आ सकता है, तो 80 में वो भी एग्री नहीं है, वो ये सोच रहा है अगर एप्रिसिएशन आ गया और 75 हो गए तो मुझे बाद में 75 की पेमेंट करनी पड़ेगी, मैं 80 क्यों करूं, दोनों का कंफ्लिक्ट आ गया। तो ऐसे केस में बायर और सेलर दोनों जो है डिसाइड कर देते हैं, अच्छा ठीक है ना तेरी ना मेरी, ऐसा करते हैं 78 पे डील कर लेते, ठीक है अगर 80 से 78 पे आ गया तो 5 का लॉस नहीं होगा, खाली 2 का, ठीक है 78। उधर वो बायर जो है वो भी ये सोच रहा है कि मैं कैलकुलेट तो कर रहा हूँ कि 70 पे जा सकती है 75 पे जा सकती है, लेकिन अगर नहीं गई तो मुझे 80 पूरे पे करने पड़ेंगे तो मुझे भी 2 रुपए का फायदा होगा, 78 में सेटलमेंट हो गए, ठीक है। तो दोनों ने ही अपनी ट्रांजेक्शन, दोनों ने ही, बायर ने भी और सेलर ने भी, एक्सपोर्टर ने भी और इम्पोर्टर ने भी, दोनों ने ही अपनी जो ट्रांजेक्शन थी उसको क्या कर दिया, प्रोटेक्ट कर दिया, समझ आया या नहीं। जो फ्यूचर प्रिडिक्टेड रिस्क होता है आपकी इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है आपकी ट्रांजेक्शन पे, उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेना, कोई ऐसी स्कीम, कोई ऐसी पॉलिसी फ्रेम कर लेना, कोई ऐसा एग्रीमेंट कर लेना जिससे कि उस रिस्क से आप बच सको या मिनिमाइज कर सको उस रिस्क को, उस प्रोसेस को, उस तरीके को हम हेजिंग कहते हैं। समझ में आ गया, क्लियर है, डन। तो मेन पॉइंट इज के हेजिंग फंक्शन भी इस मार्केट के अंदर प्रोवाइड किया जाता है, क्लियर हो गया, तीनों फंक्शन क्लियर है, बता दो जरा हेजिंग क्या होता है, ट्रांसफर, करेंसी ट्रांसफर करना, लोन देना, मल्टीनेशनल करेंसी के अंदर हेजिंग मतलब अपनी इन्वेस्टमेंट जो एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन की वजह से ट्रांजेक्शन में रिस्क इन्वॉल्व है, उस रिस्क को खत्म करना या मिनिमाइज करना, इस तरीके को हम क्या बोलते हैं, हेजिंग। समझ में आ गया, हेजिंग तो हो रही है वो किस तरह से होती है, यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, आपके सिलेबस के अंदर सिर्फ 2 ही चीजें दी गई हैं, ठीक है 2 ही मीन्स टाइप्स दिए गए हैं, वैसे बहुत सारे होते हैं, फ्यूचर ऑप्शन, पुट कॉल, फॉरवर्ड, आपके पास ये स्पॉट मार्केट, फ्यूचर मार्केट, बहुत सारे होते हैं डेरिवेटिव्स, बेसिकली उनको डेरिवेटिव्स कहते हैं। तो अभी आपको यहाँ पे हेजिंग के सिर्फ 2 ही तरीके दे रखे हैं, या तो स्पॉट मार्केट के थ्रू आप अपने आप को हेज कर सकते हो अपने ट्रांजेक्शन को, या फिर फॉरवर्ड मार्केट के अंदर, फॉरवर्ड मार्केट प्लान करके आप जो है अपने आप को हेज कर सकते हो। हेज का मीनिंग समझ में आ गया, प्रोटेक्ट, ठीक है। अब स्पॉट मार्केट का बताओ, स्पॉट मार्केट का मीनिंग है जब आप, अब ये तो समझ में आ गया ना, जब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की ट्रांजेक्शन हो रही है तो एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होती है, हम 6 महीने मान के चल रहे हैं, ठीक है मिनिमम 6 महीने हो गए, और 6 महीने में तो रेट बदल जाएगा, या तो एप्रिसिएशन आ जाएगा या डेप्रिसिएशन आ जाएगा, राइट, तो रेट तो चेंज होगा ही होगा, ठीक है जी, क्लियर हो गया।
तो अब यहाँ पे हम पहले से आज हमें आज हमारा हमें ऑर्डर मिला है और हम ये ना डिसाइड कर लेते हैं, अच्छा ठीक है मेरी कुछ स्पेकुलेशन है, उसकी भी बायर की सेलर की जो भी है दोनों की कुछ ना कुछ स्पेकुलेशन है कि रेट बढ़ेगा घटेगा, तो ये दोनों बैठ के ना यही पे एग्री कर लेते हैं, ठीक है आज हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि फ्यूचर में 6 महीने बाद जो डिलीवरी होगी, जो भी मशीनरी मैन्युफैक्चर होंगी उसकी डिलीवरी होगी या जो भी हमें ऑर्डर मिला उसकी डिलीवरी करेंगे हम 6 महीने बाद करेंगे, उस डेट को करेंगे, उस टाइम पे करेंगे, ठीक है उस जगह पे करेंगे, सब कुछ डिसाइड हो गया। रेट आज का लगेगा स्पॉट ऑन द स्पॉट, समझ में आ गया रेट आज का होगा, आगे मार्केट बढ़ भी सकती है घट सकती है, ठीक है मुझे लग रहा है कि आगे जाके मेरी करेंसी डाउन हो जाएगी, मेरी करेंसी की वैल्यू डाउन हो जाएगी, अगर मैं एक्सपोर्टर हूं तो मुझे लग रहा है आगे जाके वो अप्रिशिएट हो जाएगी, तो मुझे 80 की जगह 78 मिलेंगे, तो मैं 2 रुपए का लॉस क्यों खाऊं, मैं ये बोल रहा हूँ भाई अभी करते हैं ट्रांजेक्शन, ठीक है डिसाइड क्या कर लिया, ठीक है सारा एग्रीमेंट होगा हम किस डेट को इतना मटेरियल इतना इतना वो ट्रक भर के सामान उस जगह पे पहुंचाएंगे, हमारी जिम्मेदारी है हम रिटर्न में देंगे, ठीक है एक बैंक को ले लेते हैं लूप में गारंटी के लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन रेट आज का लगेगा, समझ में आ गया, और बायर अगर रेडी है तो इमीडिएट वो ट्रांजेक्शन होता है, तो होगा क्या ऑन द स्पॉट पेमेंट हो जाएगी, राइट तो ऐसी मार्केट को ऐसे प्रोसेस को आप क्या बोलते हो हेजिंग थ्रू स्पॉट मार्केट ऑन द स्पॉट फंड पे आते हैं। अब यहाँ पे ऑन द स्पॉट देखो करोड़ों का मैटर है, ऑन द स्पॉट ये नहीं है कि वो भाई साहब ब्रीफ केस लेके बैठा हुआ है ना, आप एग्री करो और मैं अभी जैसे फिल्मों में दिखाते ना लो पकड़ो पूरा ब्रीफ केस खोल के दिखा दिया है ना, ऐसा नहीं होता, यहाँ पे टू वर्किंग डेज दिए जाते हैं पेमेंट, ठीक है अगले दो वर्किंग डेज, सैटरडे संडे पड़ रहा है तो वो वर्किंग डेज में काउंट नहीं होगा, ठीक है मंडे टू फ्राइडे कोई हॉलीडे वगैरह ना हो सबको हटा के 2 वर्किंग डेज दिए जाते हैं, इन 2 दिनों में पेमेंट का तो ट्रांजेक्शन हो गया, समझ क्या है डिसाइडिंग फ्यूचर पेमेंट, मतलब जो भी फ्यूचर पेमेंट होनी है रिसीव होनी है फ्यूचर की चीजों को आपने किस जगह पे कितनी क्वांटिटी किस रेट के हिसाब से कौन सी डेट को डिलीवर होगी किस रेट से होगी वो सब आज ही डिसाइड कर लिया, और अगले 2 दिनों में अगले 2 वर्किंग डेज के अंदर पेमेंट भी सेटल हो गई है, तो ऐसी मार्केट को हम क्या बोलते हैं हेजिंग थ्रू स्पॉट मार्केट, ठीक है जी क्लियर, ये क्या नजर आ रहा है फॉरवर्ड का मतलब आगे बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, फॉरवर्ड बटन रिमोट के अंदर से यहाँ पे डिसाइड सारी चीजें हो रही है, अच्छा ठीक है आपको लग रहा है कि करेंसी डेप्रिशिएट होगी मुझे लग रहा है करेंसी एप्रिशिएट होगी, दोनों का कहीं ना कहीं वो है और ट्रांजेक्शन का भी है, तो ऐसे केस में क्या है बैठते हैं डिसाइड कर लेते हैं कितनी क्वांटिटी किस रेट से उस फ्यूचर डेट पे डिलीवर की जाएगी, इस रेट से की जाएगी, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स बिल वगैरह सब रेडी है, ठीक है लेकिन रेट डिसाइड कर लेते हैं ना तेरा ना मेरा, मुझे लग रहा है 75 होगा उसे लग रहा है 80 होगा, ठीक है तो बीच का एक रेट डिसाइड कर लेते हैं दैट इज 78 मान लेते हैं दोनों कुछ थोड़ा उसे भी मिल गया थोड़ा उसे भी मिल गया, ठीक है तो एक फ्यूचर रेट डिसाइड कर लिया गया है कि 6 महीने बाद जब सामान डिलीवर होगा, ठीक है जब सामान डिलीवर होगा उस डेट को उस जगह पे तब इतने इस रेट के हिसाब से पेमेंट होगी, ये आज ही डिसाइड हो गया फॉरवर्ड मार्केट, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया फ्यूचर रेट जो है फ्यूचर रेट प्लेस, ठीक है किस रेट से डिलीवरी होगी किस जगह पे होगी किस डेट पे होगी वगैरह वगैरह ये सब आज ही एग्रीमेंट हो गया है, कागज लेके वो भी अपना सिक्योर बैठा हुआ है, उसके पास रिटर्न डॉक्यूमेंट है ये भी बैठा हुआ है, दोनों सेफ है और अब आज ही डिसाइड कर लिया कि 78 रुपए के हिसाब से डिलीवरी होगी भाई 6 महीने बाद 4 महीने बाद जो भी फ्यूचर डेट है, रेट आज डिसाइड हो गया पेमेंट तब होगी, अब ये 78 से 74 चला गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 80 से 85 चला गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रांजेक्शन 75 से ही होगा,
मतलब 78 से होगी जो भी हमने डिसाइड किया, जो भी यहाँ डिसाइड किया गया है उसी रेट से डिलीवरी होगी, समझ में आ गया। तो ऐसी मार्केट को, लेकिन पेमेंट कब होगी, फ्यूचर डेट पे होगी पेमेंट। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ अगले 2 दिनों में पेमेंट हो गई थी, ऑन द स्पॉट बोला था इसको, रेट भी अभी डिसाइड किया, 2 दिन के अंदर पेमेंट भी हो गई ऑन द स्पॉट। यहाँ पे क्या है, रेट अब डिसाइड कर रहे हो, पेमेंट कब करोगे, 12 किसी फ्यूचर डेट, जैसा भी उनका एग्रीमेंट होगा, फुल पेमेंट, आधी पेमेंट, इंस्टॉलमेंट जो भी है वो सब फ्यूचर डेट में होगा, लेकिन रेट अभी डिसाइड हो गया, इसलिए इसको क्या बोला गया है, समझ में आ गया। तो ये दो ही मार्केट आपको यहाँ पे दी गई है जो आपको उसके अंदर पड़ेगी। बाकी डेरिवेटिव्स अपने आप में एक बुक होती है, इतनी मोटी सिलेबस की, जब आप फाइनेंस स्पेशलाइजेशन के अंदर अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह करोगे तो वहां पे एक डेरिवेटिव्स पढ़ने के लिए आपको बुक मिलेगी, उसके अंदर सिर्फ यही चीजें, तो सोचो ये अपने आप में कितनी बढ़िया होगी। ठीक है, मेरी जो शेयर मार्केट के अंदर या फॉरेन करेंसी के अंदर उनको उसकी नॉलेज भी ज्यादा जरूरत है। डन बच्चों, होपफुली बहुत सारे डाउट्स इस क्लास से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड आपके क्लियर हुए होंगे इस क्लास को देखने के बाद में। अगर रियली आपके कुछ डाउट्स, आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू शेयर, कीप शेयरिंग।